आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ गर्मियों में ठंडा ठंडा कूल कूल कच्चे आम की जूस, मिनटों में बन जाने वाली है बिना झंझट के, बिना परेशानी के। तो चलिए इसे बनाना स्टार्ट करते हैं। एक आम ले लिए, इसको अच्छे से धो लिए। अब इसका छिलका उतार लेंगे। छिलका इसका उतार लिए, अब इसको छोटे टुकड़े में काट लेंगे। तो फ्रेंड वीडियो अंत तक जरूर देखिएगा। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर, चैनल जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। देखिए इस तरह पे इसको छोटे टुकड़े में काट लेंगे। देखिए इसको काट लिए हैं। अब इसके लिए एक पैन लेंगे, इसी में डाल देंगे कटे हुए आम। अब इसी में डाल देंगे एक कप चीनी, आप अपने टेस्ट के अनुसार ले सकते हैं। और इसी में डाल देंगे आधा कप पानी। अब इसी में डालकर इसको 5 मिनट तक ले पका लेंगे। तो देखिए 5 मिनट हो चुका है। अब इसको गैस बंद करके इसको थोड़ा सा ठंडा कर लेंगे। तो देखिए ठंडा हो चुकी है। अब लेंगे ग्राइंडर जार, इसी में डाल देंगे। देखिए अब इसी में आधा टुकड़ा नींबू के रस गार लेंगे। अब इसी में डालेंगे आधा चम्मच काला नमक, आधा चम्मच चाट मसाला, 1/4 चम्मच सौंफ। अब इसी में डाल देंगे कलर के लिए थोड़ा सा फूड कलर, अगर आपके पास हो तो डाल सकते हैं, नहीं तो बिना कलर के भी बन सकता है। अब इसको पीस लेंगे। तो देखिए इसको पीस लिए, देखिए कितना बढ़िया पीस कर रेडी कर लिए। अब इसी में डालेंगे पानी। अब इसको मिलाकर छलनी के माध्यम से इसको छान लेंगे। देखिए इसी तरह सभी को छान लेना है। तो देखिए सभी को छान लिया है। अब इसी में डाल देंगे पानी। यहाँ पर 500 ग्राम पानी डाले हैं, आप अपने टेस्ट के अनुसार डाल सकते हैं। तो लीजिए हमारा जूस बनकर रेडी हो चुका है। तो लीजिए हमारा कच्चे आम का जूस बनकर रेडी हो चुका है। तो एक बार इस गर्मी में इस टाइप का जूस जरूर बनाकर ट्राई कीजिएगा। तो आज का वीडियो कैसा लगा फ्रेंड, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर, चैनल जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा।